पॉलिटिको मिलिट्री स्ट्रेटजी बनती है अमेरिका के लिए टू प्रेशर अस, कि जब आप एक तरफ तो यहाँ पे इसको हॉट अप कर दें, दूसरी तरफ लाइन ऑफ कंट्रोल को जो है, एंड नॉट जस्ट फायर एक्सचेंज, ना लाइन ऑफ कंट्रोल पे इंग्रेस मुख्तलिफ पॉइंट से अगर होना शुरू हो जाए। ये जो अभी इंडियन आर्मी चीफ एयर चीफ की जो स्टेटमेंट आई थी, व्हिच इज़ कम्प्लीटली अगेंस्ट द नॉन अटैक एग्रीमेंट ऑफ 1988, इसको भी उस तनाजर में देखने की ज़रूरत है कि ये देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये टू फ्रंट जो है ये सिचुएशन क्रिएट। देखिए अगर तो आप यूएस प्रेजेंस इन अफगानिस्तान एक लार्जर बड़े स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क में देखते हैं, और अगर आप उस फॉर्मेट पे देखते हैं जो कि बहुत सारे लोग इस पे बात करते हैं कि देखें अमेरिकन्स अफगानिस्तान में इस वजह से वापस नहीं जाना चाहते, इस वजह से नहीं कि वो वहाँ उनको मसला हो रहा है, वो इसलिए कि वो लॉन्ग टर्म प्रेजेंस चाहते हैं यहाँ पे, क्योंकि एक चाइनीज स्ट्रेटेजिक ओरिएंटेशन है, वन बेल्ट वन रोड, साउथ चाइना सी, इधर से ग्वादर पोर्ट, ईरानियंस का भी वो डील स्क्रैप होने वाली है एज पर पॉसिबिलिटी, मिडल ईस्ट ऑलरेडी डिस्टेबलाइज्ड है, तो अगर अमेरिकन लॉ अमेरिकन की अगर ये लॉन्ग अगर ये स्ट्रेटजी है एक परसेप्शन के मुताबिक एक व्यू के मुताबिक कि वो पाकिस्तान को अनस्टेबल रखना चाहते हैं, जिसकी वजह से एक तो ये ओबर और ग्वादर का मसला फंसा रहे बीच में, और एक अनस्टेबल पाकिस्तान जो अभी आप इसको अगर लिंक करें ट्रंप के स्टेटमेंट के साथ कि वो अफगानिस्तान में इसलिए हैं कि टेररिज्म की वजह से और पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स का भी उसको खतरा है कि इस तरह के लोगों के हाथ में ना चला जाए, और फिर टेलरसन जब कहता है कि वी आर वरीड अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट इन पाकिस्तान, तो आप देखेंगे फोकस किस तरफ जा रहा है। जब आप एक लार्जर स्ट्रेटजिक फ्रेमवर्क में देखें कि एक कंट्री है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन भी हैं, और वो एक नेटो यूरोपियन यूनियन रीजनल कंट्रीज एक ग्लोबल परस्पेक्टिव बनता जाए कि ये कंट्री अनस्टेबल है, इसमें इंस्टेबिलिटी है, कोई मसला हो रहा है, तो वो सारा फोकस यहाँ शिफ्ट हो जाता है, और उसके कॉन्टेक्स्ट में जब ये आप यूएस की इंटरवेंशंस देखें तो फिर आपको बात समझ आनी शुरू होती है कि ये जो गेम है ये नॉर्मल अफगानिस्तान में तालिबान ये कर रहे हैं तालिबान वो कर रहे हैं से मुख्तलिफ है।